हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक द फन। यहाँ पे आप लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अलग तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहाँ पे बीटेक वाले बच्चे और डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, टेक्निकल फील्ड में जो अपडेट्स पाने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक मैं वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो फिर अगर हम बात करें इस जो आपकी जो ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो हम इस समय इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई कैरियर्स के सेक्शन में आपको ये पेज देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर फॉर्म जाकर फिलअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी को मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता दूँ। ये जो वैकेंसी निकाली गई है फ्रेंड, ये आपकी वैकेंसी निकाली गई एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है वही बच्चे यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये आपकी जो वैकेंसी जो टेम्पररी बेस पे होने वाली, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी वन ईयर के टेम्पररी बेस पे आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो अगर आप फ्रेंड इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को यहीं लीप करके जा सकते हैं। बट प्लीज़ वीडियो को लीप करने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला की तरफ से ये आपका निकाला गया है। 1 फरवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर हम बात करें फिर एलिजिबल ब्रांचेस की, तो यहाँ पे अगर आपने बीटेक किया हुआ सिविल इंजीनियर, आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ अगर आपने बीटेक किया हुआ सिविल इंजीनियर, आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से, या बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से, आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बात कर लें, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाली गई, आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी 30,000 पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होने वाला है वो आपका 1 साल का, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होने वाला है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट किया गया है, और यहाँ पे बीटेक वाले बच्चों के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट किया गया है। हम अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई वो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में वैकेंसी निकाली गई है। जहाँ अगर आपने बीटेक किया हुआ सिविल इंजीनियरिंग से, आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपीरियंस का लेवल रखा गया वो आपका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको 15 फरवरी के पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। ये फ्रेंड ऑल ओवर इंडिया फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, ये आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का अपॉइंटमेंट रहने वाला है, बाकी प्रोजेक्ट के बेस पे और आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे आपका ये पीरियड इंक्रीज किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आई होप ये अपडेट आप लोग के लिए यूजफुल साबित होने वाली होगी। प्लीज़ अगर अपडेट अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।